वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो अभी हम अपने यूएस सब्जेक्ट में देखते हैं अवर गुड इस लेसन में गुड ईटिंग हैबिट्स। पिछले क्लास तक हमने मतलब बहुत कुछ देख लिया था इस लेसन में, जैसे फूड्स कैसे होते हैं, फूड्स के ग्रुप्स क्या है, वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस देखा था ना। तो अभी हम इस क्लास में देखते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि खाने की अच्छी आदतें। ओके, तो सबसे पहले आप पेज नंबर 22 निकालो। सबने पेज नंबर 22 निकाला? ओके, अभी सब लोग ध्यान दो। ओके, गुड ईटिंग हैबिट्स, वी शुड फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स। हम सबको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए क्या, गुड ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने की अच्छी आदतें हम सबको फॉलो करनी चाहिए। दिस हैबिट्स कीप अस हेल्दी, इन्हीं आदतों के वजह से हम क्या बन सकते हैं, हेल्दी बन सकते हैं। ओके, गिवन बिलो आर सम गुड ईटिंग हैबिट्स। तो नीचे मतलब यहाँ पे हमें कुछ क्या दी है, गुड ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने की अच्छी आदतें दी है, तो वो अभी हम आज की क्लास में जानते हैं। ओके, तो देखो, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील क्या है। पहली हैबिट्स क्या है ईटिंग की, मतलब गुड ईटिंग की पहली हैबिट्स क्या है, वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, यानी कि हमें कोई भी खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, अपने हैंड वॉश करने चाहिए। ओके, वॉश करते रहे। एंड सेकंड थिंग इज ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वे, क्या करना चाहिए, हम जब खाना खाते हैं तो हमें खाना बिल्कुल स्लोली खाना चाहिए एंड उसके साथ साथ अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। चू यानी क्या होता है, चबाना। तो क्या है कि हमें खाना बिल्कुल स्लोली खाना है एंड च्यू करके खाना है, यानी कि बिल्कुल चबा के खाना। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज डू नॉट स्पीक और लॉफ व्हाइल ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं तब हमें बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहिए एंड हंसना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, तो खाना खाते वक्त बिल्कुल साइलेंटली हमें खाना खाना चाहिए। आगे देखो, डू नॉट वॉच टेलीविजन व्हाइल ईटिंग, एंजॉय योर मील। तो जैसे देखो ना, अभी मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि हम टीवी देखते देखते खाना खाते या फिर मोबाइल देखते देखते खाना खाते, तो वो क्या है, वो एक गलत चीज है, यानी कि वो बिल्कुल भी गुड हैबिट नहीं है, वो बिल्कुल रॉन्ग हैबिट है। इसीलिए हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें बिल्कुल भी टेलीविजन के सामने नहीं बैठना है, तो हमें अच्छे से मतलब साइलेंटली हमें अपना खाना खाना है एंड अपने खाने को हमें एंजॉय करना है। ओके, आगे देखो, डू नॉट ड्रिंक वाटर व्हाइल ईटिंग, क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो बीच में हमें वाटर नहीं लेना चाहिए, जब अपना खाना मतलब खाके कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हमें वाटर लेना चाहिए। आगे देखो, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, देखो वो ऐसे सड़क पे मिलते हैं अनकवर्ड चीजें, तो वो भी हम खा लेते हैं, खाते हैं ना खरीद के, लेकिन वो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए। तो जो चीजें कवर्ड है उनको ही हमें खरीदना चाहिए और वो ही हमें खाने चाहिए, और जो अनकवर्ड चीजें हैं यानी कि जो चीजें ढकी हुई नहीं है उन चीजों को हमें नहीं खाना है। ओके, एंड सामने टेक एज मच फूड एज यू कैन ईट, यानी कि हमें अपने थाली में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं, ज्यादा का खाना हमें अपने थाली में नहीं लेना है। ओके, अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, हमें फूड की वेस्टेज को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। उसके बाद एवरी फूड ग्रेन्स इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, तो फूड ग्रेन्स यानी कि क्या होता है, खाने का मतलब खाने का एक एक कण भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमें खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे देखो, यूज अ टूथपिक टू रिमूव द फूड स्टक इन योर माउथ, खाना खाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल क्या करना चाहिए, टूथपिक मतलब टूथब्रश यानी कि क्या करना होता है हमें, वो उसके साथ साथ हमको टूथब्रश करना है एंड अपने जो मतलब
टीथ में जो भी खाना जो स्टक है, मतलब जो खाना अटका हुआ है, उसको हमें बाहर निकालना चाहिए. ओके, वॉश फूड एंड वेजिटेबल्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग और कुकिंग दे. तो हम जब भी कोई भी खाना पकाते हैं तो खाना पकाने से पहले वेजिटेबल्स को अच्छे से क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए एंड तभी वो खाना बनाना चाहिए. या फिर जब हम कोई फ्रूट्स भी खाते हैं तो भी उनको भी अच्छे से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए एंड तभी उनको खाना चाहिए. तो आपको समझ में आया? आज की क्लास में हमने देखा है गुड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि खाने की कुछ अच्छी आदतें. तो जितनी भी आदतें यानी कि जितने भी हैबिट्स हमने आज के क्लास में देखी, क्या आपको वो समझ में आई? तो देखो, अभी आप क्या करो कि ये जो पेज नंबर 22 में क्या दी है, गुड ईटिंग हैबिट्स दी है, तो वो आप अच्छे से पढ़ो. एक बार आप अच्छे से पढ़ लोगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी. ओके, एंड ये जितनी भी हैबिट्स है वो आप में होनी चाहिए. ये अच्छी हैबिट्स है एंड अच्छी आदतें है, तो क्या वो आप में है? ओके, तो आज की क्लास में हम इतने देखते हैं, बाकी हम अपने अगले क्लास में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.